दोस्तों आज किस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ ड्राइव के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा किसी भी डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में जो भी ड्राइव होता है हमेशा सी से स्टार्ट होता है, ए और बी से क्यों नहीं होता। या फिर जब आप कंप्यूटर में कोई भी विंडो इंस्टॉल करते हैं तो जो आपको ड्राइव देखने को मिलता है वो सी से मिलता है, ए और बी से देखने को क्यों नहीं मिलता। तो आज इस वीडियो के अंदर इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों आजकल के सभी कंप्यूटर में जो भी आपको ड्राइव देखने को मिलता है वो हमेशा सी से ही मिलता है, ए और बी से क्यों नहीं मिलता। तो मैं आपको बता दूं, पहले के कंप्यूटर में कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए और कंप्यूटर में जो भी काम करते थे डाटा स्टोर करने के लिए कोई भी डिवाइस नहीं था। तो कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए जो फर्स्ट डिवाइस आया था उसे हम बोलते थे फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का यूज कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए और कंप्यूटर में जो भी काम करते थे डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता था। तो पहले के कंप्यूटर में कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं था डाटा को स्टोर करने के लिए। फ्लॉपी डिस्क कंप्यूटर का फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस है, इसलिए इसका नाम रखा गया ड्राइव ए। दोस्तों फ्लॉपी डिस्क के अंदर जो भी डाटा स्टोर करते थे वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं था, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क कभी भी खराब हो सकता था। और दोस्तों एक फ्लॉपी डिस्क के अंदर जो डाटा स्टोरेज का जो कैपेसिटी होता था वो होता था 1.44 MB। फ्लॉपी डिस्क एक समय में 1.44 MB ही डाटा स्टोर करता है। फिर धीरे धीरे फ्लॉपी डिस्क में फिर चेंजिंग हुए, फिर दूसरा एक फ्लॉपी डिस्क आया, उसका भी यूज कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता था। इसको बोलते थे फ्लॉपी डिस्क का सेकेंड जेनरेशन। जब दूसरे फ्लॉपी डिस्क को कंप्यूटर में लगाया गया फिर उसका नाम दिया गया था ड्राइव बी। फिर धीरे धीरे कंप्यूटर में ज्यादा कैपेसिटी की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि दोस्तों फ्लॉपी डिस्क के अंदर एक समय में 1.44 MB डाटा स्टोर होता था। फ्लॉपी डिस्क के बाद कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए एक डिवाइस बनाया गया जिसका नाम दिया गया हार्ड डिस्क। आजकल के सभी कंप्यूटर में आप लोगों को हार्ड डिस्क देखने को मिलता होगा। तो दोस्तों जब कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगाया गया था तो पहले से फ्लॉपी डिस्क के लिए ए ड्राइव और बी ड्राइव बन चुका था, इसलिए जब हार्ड डिस्क लगाया गया कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए तो इसका नाम दिया गया ड्राइव सी। दोस्तों आजकल फ्लॉपी डिस्क का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क का जो स्टोरेज कैपेसिटी था वो था 1.44 MB। अब आप ही सोच सकते हैं एक कंप्यूटर के अंदर कोई भी छोटा सा सॉफ्टवेयर अगर हमें स्टोर करना हो उसका भी साइज 5 MB 10 MB से ज्यादा होता है। तो इसलिए दोस्तों आजकल के समय में सभी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का यूज किया जाता है। और मैं आपको बता दूं अभी के समय में हमारा हार्ड डिस्क भी अपडेट हो चुका है। हार्ड डिस्क की जगह पर अब आ गया है SSD। जिस किसी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगा हुआ है जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं 10 से 15 सेकंड का समय लगता है, लेकिन दोस्तों जिस कंप्यूटर के अंदर SSD लगा हुआ है उस कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हैं तो मात्र 5 सेकंड के अंदर कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जिस कंप्यूटर में SSD लगा हुआ है उसमें हम जो भी काम करते हैं वो सॉफ्टवेयर भी फास्ट काम करता है। आजकल के जितने भी नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं सभी कंप्यूटर में SSD लगा हुआ आता है। दोस्तों अभी के समय में फ्लॉपी डिस्क का यूज बिल्कुल भी नहीं होता है। पहले से ही कंप्यूटर में ए ड्राइव बी ड्राइव फ्लॉपी डिस्क के लिए रिजर्व किया गया है, इसलिए जो भी कंप्यूटर में आपको ड्राइव देखने को मिलता है वो मिलता है सी से, क्योंकि ए ड्राइव और बी ड्राइव पहले से रिजर्व है। किसी भी कंप्यूटर के अंदर जो भी ड्राइव बना हुआ है जैसे सी ड्राइव डी ड्राइव ई ड्राइव, तो ऐसा नहीं है कि हम अपने ड्राइव का नाम ए और बी नहीं रख सकते। हम अपने अकॉर्डिंग किसी भी ड्राइव का नाम जो भी रखना चाहे हम रख सकते हैं। उसके लिए आपको माई कंप्यूटर आइकॉन पर राइट क्लिक करना है, मैनेज पे क्लिक करना है और इसके अंदर यहाँ पर नीचे दिया हुआ है डिस्क मैनेजमेंट। इसमें यहाँ पर जितने भी ड्राइव दिए हुए हैं किसी भी ड्राइव पर राइट क्लिक करके आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। किसी भी ड्राइव का नाम है जो भी आपको रखना है ए बी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों दी गई जानकारी आपको समझ में आ गया होगा एक कंप्यूटर के अंदर कोई भी ड्राइव सी से ही क्यों स्टार्ट होता है। तो आज के इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन प्रेस कर दें ताकि मैं आपके लिए और भी नई वीडियो जैसी अपलोड करूं आप उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।